शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिमला की एसपी मोनिका भुटुंगुरु ने बताया कि जिला शिमला में 13 दिन तक पुलिस की भर्ती चली है, जो कि पिछले कल ही खत्म हुई है। उन्होंने बताया कि भर्ती में लगभग 15,000 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 12,223 उम्मीदवारों ने भर्ती में भाग लिया है। वहीं 5,144 ने फिजिकल टेस्ट को पास किया है और आगे रिटेन एग्जाम के लिए पास हुए हैं। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के नियमों के बारे में बताया कि जो भी नियम पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा बनाए गए हैं, उनकी सख्ती से पालना की गई है। हालांकि भर्ती में इंटरव्यू को हटा दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि भर्ती के समय सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन इत्यादि की मदद से वीडियोग्राफी की गई है। 13 दिन तक शिमला में कांस्टेबल भर्ती चली है, ये कल ही खत्म हुई है और थैंक्स टू द वेदर हमारा पूरा भर्ती का प्रोसेस जो है वो टाइमली खत्म हो गया। इसमें आपको पता है कि 15,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। टोटल 12,023 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट करा है, जिसमें से जो हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है और ड्राइवर्स के जो ड्राइविंग टेस्ट है, ये सब पास करके 5,144 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं आगे रिटन एग्जाम के लिए। मैम क्या प्रक्रिया कुछ नहीं है? जिस तरीके से पुलिस हेडक्वार्टर्स ने इंस्ट्रक्शंस रूल्स बनाए हैं अकॉर्डिंगली हमने फॉलो करा है। इस बार ही भर्ती में आपको पता है कि इंटरव्यू जो पहले होता था वो हटा दिया गया है और पूरे का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। सॉफ्टवेयर सिस्टम जो स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया है उसके ऊपर निर्भर करता है। साथ ही हर चीज़ जो ग्राउंड में पुलिस भर्ती के टाइम पे हो रही थी वो वीडियोग्राफ की गई है। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे, ड्रोन से भी फुटेज ली गई थी ताकि किसी भी तरीके का इम्पर्सनेशन या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, और थैंकफुली अभी तक कुछ ऐसा रिपोर्ट नहीं किया गया। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है।